हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम भूगोल की 3 मार्कर पढ़ने वाले हैं और भूगोल की 3 मार्कर की मैराथन क्लास है। 20-25 मिनट की क्लास रहेगी और इसमें हम 25 प्रश्न लगातार पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ऐसे ही मैंने आपको बोला था कि मैं वीक में एक दिन ऐसे ही मैराथन क्लास लाऊंगी जिसमें हम 3 मार्कर के हर सब्जेक्ट के 25-25 प्रश्न करेंगे। जब ये 25 हो जाएंगे फिर हम नेक्स्ट 25 करेंगे, मतलब टोटल हमारा 50 हो जाएगा। इस प्रकार से हर सब्जेक्ट का 3 मार्कर हमारा कंप्लीट होता जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट आएगा उसमें हम मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित 3 मार्कर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, पहली बार है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ पाऊँ। और जो लोग मेरे वीडियो से नोट्स बना रहे हैं तो वो अलग अलग सब्जेक्ट का रजिस्टर बना लीजिए और उससे नोट्स बनाते रहिए। साथ में अगर आप ये मेरे भूगोल के 3 मार्कर नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी गई है। 110 रुपये इसकी प्राइस है, तो आप ये ले सकते हैं। 300+ ये प्रश्न है। और अगर आप लिंक से नहीं ले पा रहे हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए, इसमें ये हमारा पेपर फर्स्ट का है और इसमें भारत और विश्व का भूगोल है। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड क्या है? क्या है ब्रह्मांड? क्या है तो पृथ्वी को घेरने वाला अपार आकाश। ब्रह्मांड को सबसे पहले हम क्या परिभाषित करेंगे एक लाइन में, कि पृथ्वी को घेरने वाला अपार आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। ऐसा क्षेत्र जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, पृथ्वी को पूरी तरह से घेरे हुए है, आकाश है, उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। इसमें पृथ्वी एक छोटी सी कणिका मात्र है। पृथ्वी को घेरने वाला अपार आकाश जिसमें पृथ्वी एक छोटी कणिका मात्र है, ब्रह्मांड कहलाता है। तो ये हुआ हमारा ब्रह्मांड का। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसी टाइप के क्वेश्चन 3 मार्कर में आते हैं। अगर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो और भी जो शब्द सीमा है और भी ज़्यादा कम कर दी है, तो आपको दोनों में ही ये काम आएंगे। और ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स, इन्हीं जिनसे मैं ये पढ़ा रही हूँ वही आपको नोट्स मिलेगा। अंतरिक्ष क्या है? तो अंतरिक्ष पृथ्वी से बाहर का शून्य क्षेत्र है जहाँ वायु बिल्कुल नहीं होती। अंतरिक्ष क्या है? पृथ्वी से बाहर का शून्य क्षेत्र है जहाँ वायु बिल्कुल नहीं होती। अंतरिक्ष में वायु बिल्कुल नहीं होती और ये पृथ्वी से बाहर का शून्य क्षेत्र है। आकाशीय अथवा खगोलीय पिंड से आप क्या समझते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों तारों को खगोलीय अथवा आकाशीय पिंड कहा जाता है। सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में बहुत सारे तारे जगमगाते रहते हैं, लाखों तारे, इन्हीं तारों को ही खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, ज्योतिष विज्ञान किसे कहते हैं? तो मानव जीवन पर जो मानव होता है उस पर ग्रहों का प्रभाव पड़ जाता है। जैसे कि कभी किसी को शनि ग्रह लग जाते हैं, कभी राहु लग जाता है, कभी गुरु का प्रभाव होता है, तो इन पर पड़ने वाले जो ग्रहों का जो अध्ययन कहलाता है वो ज्योतिष विज्ञान कहलाता है। तो ज्योतिष विज्ञान क्या है? मानव जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभावों का अध्ययन ज्योतिष विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्का पिंड पर टिप्पणी लिखो। उल्का पिंड क्या है? तो कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। उल्का मतलब होता है ज्वाला। तो जलती हुआ कोई पिंड जब धरती पर गिर जाता है लेकिन जो पूरी तरह से नहीं जलता, तो कुछ उल्काएं जो होती हैं, उल्काएं जो होती हैं उसका पूरी तरह जल रही होती हैं, जलते हुए पिंड होते हैं, लेकिन कुछ पिंड ऐसे होते हैं जो जलते नहीं हैं तो वहीं नष्ट नहीं होते और बिना जले क्या हो जाता है, धरती पर गिर जाते हैं, उनको हम उल्का पिंड कहते हैं। इस प्रकार से हमारे ये भी 4 प्रश्न हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल क्या है? सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह तथा दूसरे आकाशीय पिंड सभी आपस में मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। क्या? सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह तथा दूसरे आकाशीय पिंड सभी आपस में मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, इसको हम सौरमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, बुध ग्रह पर टिप्पणी लिखो।
नॉर्मली जो जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में तीन तीन पॉइंट याद कर लीजिएगा। तो सूर्य का निकटतम ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, इसका व्यास 4,880 किलोमीटर होता है और इसकी सूर्य से दूरी 5.76 करोड़ किलोमीटर होती है। तो क्या हो जाएगा, सूर्य का निकटतम ग्रह हो जाएगा, इसका कोई उपग्रह नहीं होता, इसका व्यास 4,880 किलोमीटर होता है, सूर्य से इसकी दूरी 5.76 करोड़ किलोमीटर होती है। तो क्या लिखेंगे, सूर्य का निकटतम ग्रह, इसका कोई उपग्रह नहीं होता, व्यास 4,880 किलोमीटर है, सूर्य से दूरी 5.76 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती हैं, तो पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। तो इस प्रकार से पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, वायु क्यों बहती है, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। वायु क्यों बहती है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, ये एक गौण कारण है उसका, पृथ्वी के वायु क्यों बहती है कहने का। दूसरा ये कारण है कि धरातल का और ऊपर का तापमान अलग अलग हो जाता है, गर्म और ठंडा वातावरण के कारण वायु ऊपर उठती है और जिसके कारण वायु बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा क्या है, ध्रुव तारा किसे कहते हैं। तो आकाश में उत्तरी ध्रुव के पास दिखाई देने वाला एक स्थिर तारा ध्रुव तारा कहलाता है। ध्रुव तारा कहाँ दिखाई देता है, आकाश में दिखाई देता है। आकाश में कहाँ पे दिखाई देता है, तो ध्रुव तारा आकाश में उत्तर ध्रुव के पास दिखाई देता है, एक स्थिर रहता है, ये उत्तर ध्रुव जो है स्थायी रहता है, स्थिर तारा होता है और ये पृथ्वी के ठीक उत्तर दिशा में होता है। तो आकाश में उत्तरी ध्रुव के निकट दिखाई देता है, स्थिर तारा होता है और पृथ्वी के ठीक उत्तर दिशा में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिजी क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम, पेरिजी क्या है। तो चंद्रमा की अपनी कक्षा में उस समय की स्थिति जब वह पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होती है। क्या चंद्रमा की अपनी कक्षा में उस समय की स्थिति जब वह पृथ्वी से न्यूनतम, चंद्रमा और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, पेरिजी कहलाती। बहुत इम्पोर्टेंट इस तरह के वर्ड जो हमने नहीं पढ़े होते हैं लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, तो इनको आपको करना है। तो चंद्रमा की अपनी कक्षा में उस समय की स्थिति जब वह पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर हो, पेरिजी कहलाता है। नेक्स्ट है, भूमियुच्च को समझाओ। अभी हमने पेरिजी पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं भूमियुच्च। तो चंद्रमा की अपनी कक्षा में उस समय की स्थिति जब वह पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। जब वह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होता है तो पेरिजी कहलाता है और जब वह पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो वह भूमियुच्च कहलाता है। सूर्य का जन्म कब हुआ, तो सूर्य का जन्म हुआ था 5×10^9 वर्ष पहले। सूर्य का जन्म कब हुआ था, 5×10^9 वर्ष पहले। सबसे गर्म और सबसे ठंडा ग्रह, वैसे तो सबसे गर्म ग्रह किसको बोला जाता है, शुक्र ग्रह को बोला जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए क्वेश्चन और आपसे पूछे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र और बुध दिया हो तो शुक्र ही दिया ले। लेकिन अगर हम दूरी के हिसाब से देखा जाए तो बुध जो है सूर्य के सबसे ज़्यादा करीब है, इसलिए उसे गर्म माना जाएगा। तो आप बुध भी लिख सकते हैं और यहाँ पे शुक्र भी लिख सकते हैं। सबसे ठंडा जो सबसे सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर है नेपच्यून, वो सबसे ठंडा ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह बुध या शुक्र और सबसे ठंडा नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं, आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। ये सभी की प्राइस दी हुई है, टोटल पैकेज आपका 7000 हार्ड कॉपी में है। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में लेके आप खुद प्रिंट करा सकते हैं तो सॉफ्ट कॉपी में आपको 4200 रुपये में मिल जाएगा। दोनों ही नोट्स एक समान है, आप दोनों सॉफ्ट या हार्ड दोनों में से कोई भी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक MP स्पेशल है, वो इन्हीं पैकेजों में शामिल रहेगा। लेकिन अगर आप MP स्पेशल अलग से लेना चाहते हैं तो उसकी सॉफ्ट कॉपी 1200 रुपये की है और हार्ड कॉपी 1650 में है। इसमें MP के तीनों पेपर शामिल हैं और मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रश्न MPPSC पूछ सकता है वो सभी इसमें हैं। साथ में ये अलग अलग नोट्स की सॉफ्ट कॉपी की प्राइस दी हुई है। इनका लगभग डबल जो है वो आपका हार्ड कॉपी हो जाएगा। जैसे कि प्राचीन इतिहास की सॉफ्ट कॉपी 200 में है तो हार्ड कॉपी इसका 400 में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये नोट्स मेरे परचेस कर सकते हैं और ये इस प्रकार का ही नोट्स फाइल में रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काली मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो इसमें काली मृदा से संबंधित दो प्रश्न आ सकते हैं, मैं बताती हूँ। सबसे पहले काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ये मैंने इतने सारे जगह लिख दिया है, आप कोई भी तीन लिख दीजिएगा। तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो यहाँ जो है काली मृदा पाई जाती है कहाँ कहाँ, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और उड़ीसा। लेकिन काली मिट्टी किस किस से मिलके बनी होती है, तो मैग्नीशियम और चूना पत्थर से मिलके काली मिट्टी बनी होती है। काली मिट्टी किस से मिलके बनी होती है, मैग्नीशियम और चूना पत्थर से मिलकर काली मिट्टी बनी होती है। तो भारत में काली मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, इसके आंसर में ये जगहों के नाम लिख दीजिएगा और काली मिट्टी किस किस से बनी होती है तो उसमें ये लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है चक्रवात को क्या, चक्रवात क्या होता है, चक्रवात को समझाओ। यहाँ पे इसके चक्रवात से संबंधित चार पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको कोई भी तीन लिख देना है। तो चक्रवात यह एक निम्न दाब यंत्र होता है, केंद्र में हवा 120 से 280 पर किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलती है, उच्च तीव्रता वाला ये तूफान होता है, हवा सभी दिशाओं में वर्षा के साथ निम्न दाब की ओर तेज़ी से बहती है। तो निम्न दाब की ओर तेज़ी से बहती हैं, जैसे कि ये जैसे ये है और ये सपोज़ करो ये जो बाहर है, ये बाहर का जो जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा है और अंदर का दबाव कम है। तो एक बार देखिए, अंदर का दबाव क्या है, कम है, और बाहर का दबाव है क्या है, ज़्यादा। तो जो हवाएं होंगी वो यहाँ से यहाँ कम से ज़्यादा की ओर जाएंगी, हाँ, तो वो चक्रवात कहलाता है जो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमता है। और ये चक्रवात कहलाता है, उच्च तीव्रता वाले ये तूफान होते हैं और वर्षा के साथ निम्न दाब की ओर बहते हैं। नेक्स्ट है आपका हरित क्रांति का प्रारंभ, हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था। तो हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के दशक में हुआ था। इसके जनक कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन वोरलॉग थे। इनका कार्य क्या था, कृषि क्षेत्र में सुधार करना और उत्पादन में वृद्धि करने हेतु अनुसंधान कार्य करना। तो 1960 के दशक में इसका आरंभ हुआ, किसी वैज्ञानिक नॉर्मन वोरलॉग ने इसका प्रारंभ किया। इनका कार्य क्या था, कृषि क्षेत्र में सुधार करना और उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुसंधान कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हरित क्रांति वाला। इन्हीं हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। फ्रेंड्स ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं, आप इनको परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप भी इसको परचेस कर सकते हैं। साथ में आप मुझे व्हाट्सअप करके 6260190944 पर व्हाट्सअप करके भी ये नोट्स मुझसे ले सकते हैं। तो किसी खेत में उचित भू परिष्करण विधियां अपनाकर जल संरक्षण करने को वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। कोई खेत है उसमें हमने कुआं टाइप बना लिया है, भू परिष्करण कर लिया है, उसमें जल संरक्षण करके इकट्ठा कर लिया है हमने जल को, तो ये जो प्रक्रिया है वो वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। नेक्स्ट है भारत में बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भारत में बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र तीन हैं मुख्यतः, एक तो है ब्रह्मपुत्र घाटी, दूसरा है उत्तरी बिहार और तीसरा है निचला पश्चिम बंगाल। मतलब ये ऐसे क्षेत्र हैं भारत के जहाँ जो बारिश होती है तो बाढ़ से बहुत ज़्यादा समस्याएँ आ जाती हैं। एक तो ब्रह्मपुत्र घाटी पूरम में असम के पास है, जो उत्तरी बिहार और निचला पश्चिम बंगाल ये सब एक ही क्षेत्र के आसपास की जगह है। और यहाँ पे क्या है, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है जिसके कारण बाढ़ जैसी समस्या आती है। फ्रेंड्स ये मेरे ग्रुप है व्हाट्सअप के, पेड ग्रुप है, हर सब्जेक्ट का है। देखिए आप अगर इन पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते, ये उनके लिए है ये पेड ग्रुप जिन्होंने मेरे नोट्स परचेस किए हैं। जैसे कि जिस सब्जेक्ट का नोट्स है उस सब्जेक्ट का अलग ग्रुप है, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम तक अलग अलग आंसर्स की श्रृंखला मिलेंगी, बहुत सारे आंसर्स का कलेक्शन आपको मिलेगा जो इन ग्रुप में दे दिया जाएगा, तो आप इन पर ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वेदिका फार्म को समझाइए, वेदिका फार्म क्या होता है। तो ये मृदा संरक्षण की एक विधि है, वेदिका फार्म को क्या बोला जाता है, ये मृदा संरक्षण की एक विधि है, चौड़े समतल सोपान ढालों पर ये बनाए जाते हैं। मृदा संरक्षण की एक विधि है, चौड़े समतल सोपान ढालों पर ये बनाए जाते हैं। इनका उद्देश्य क्या है, सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए।
जहाँ पे भी टेढ़े मेढ़ा रास्ता है, पठारी जगह है, वहाँ पे ये बनाए जाते हैं ताकि जो फसल उगाने के लिए एकदम समतल जगह आपको उपलब्ध हो जाए। तो समतल जगह जो उपलब्ध हो जाती है उसी को वेदिका फार्म कहा जाता है, और इससे मृदा की रक्षा होती है क्योंकि पानी के द्वारा मृदा बहती हुई ढालों ढाल अगर होता है, जैसे कि एक रिसक पट्टी होती है, एक रिसक पट्टी होती है, इस पे आप कोई मिट्टी डालोगे तो ये रिसक के नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर आपका ये समतल जगह होगा बिल्कुल फ्लैट, यहाँ मिट्टी डालोगे तो यहाँ पे मिट्टी ये स्थिर बनी रहेगी। तो वेदिका फार्म इसलिए ही मृदा संरक्षण को बनाए जाते हैं ताकि हम मृदा की रक्षा कर सकें और सपाट सतह फसल उगाने के लिए भी उपलब्ध हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनों को समझाओ। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें। व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं? उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण विधि के आधार पर पर्वतों के प्रकार बताओ। तो निर्माण विधि के आधार पर जो पर्वत होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। निर्माण विधि के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। जैसे कि सबसे पहले है मोड़दार पर्वत, दूसरा है भ्रसोंत पर्वत जो धस जाते हैं, इस टाइप का जो पर्वत रहता है वो भ्रसोंत पर्वत। ज्योग्राफी के जो मेरे नोट्स रहेंगे मेन, उनमें आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्राइब करके दिया होगा कि भ्रसोंत पर्वत क्या होता है। ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है कि जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है कहीं से और ज्वालामुखी से ये लावा निकल रहा है। अब ये निकल के ये देखो किस फॉर्म में आ गया, ये पठार के फॉर्म में आ गया, पर्वत के फॉर्म में आ गया। ये धरती का एक छिद्र है और यहाँ से ये लगातार निकल इकट्ठा होता जाता है। तो इस प्रकार से ये मलबा इकट्ठा हो जाता है और ये मलबा इकट्ठा होके जो है वो पर्वत का रूप ले लेता है, तो इसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। फिर होता है एक अपशिष्ट पर्वत, तो मोड़दार पर्वत, भ्रसोंत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट है ये निर्माण विधि के आधार पर पर्वतों के आधार पर जिस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है उस प्रकार की विधि पर ये आधारित है। नेक्स्ट है आपका लावा क्या है। तो ज्वालामुखी विस्फोट में पृथ्वी तल पर आए तरल पदार्थ को लावा कहते हैं। ज्वालामुखी अगर विस्फोट हो रहा है, जैसे कि ये छिद्र है पृथ्वी का और यहाँ से जो लगातार ज्वाला निकल रही है, निकल रहा है, जो जलता हुआ पदार्थ, जलती हुई गैसें निकल रही हैं, तो वो क्या होती हैं? ये धरती पे इकट्ठी होती जाती हैं। इस जो धरती पे जब कोई बड़े से बड़ा तत्व भी अगर कड़े उस कठोर से कठोर तत्व को भी अगर हम आग में सुलगाएंगे तो वो द्रवित अवस्था में पदार्थ बदल जाएगा, तरल पदार्थ में बदल जाएगा। तो इसी प्रकार ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी से जो गैसें निकलती रहती हैं वो लगातार तरल अवस्था में प्राप्त होती हैं, इस तरल पदार्थ को ही हम लावा कहते हैं। नेक्स्ट है आंधी किसे कहते हैं। तेज और अनियमित गति से बहने वाली वायु को आंधी किसे कहते हैं। देखो नॉर्मल गति से अगर चल रही है तो वो वायु कहलाती है, लेकिन अगर बहुत तेज गति से हवा चल रही है और अनियमित गति चल रही है, कहीं एक डायरेक्शन में कहीं उधर दूसरे डायरेक्शन में, तो आपस में मिलती, कभी कभी आप देखना शांत होकर हवा चलती है तो एक आवाज़ आती है शुरू शुरू करके, तो जो आवाज़ आती है उस आवाज़ आती है वो इसलिए आती है क्योंकि यहाँ की वायु और यहाँ की वायु दोनों आपस में मिलती हैं क्योंकि उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो इसी प्रकार से तेज और अनियमित गति करने वाली जो वायु होती है उसको हम आंधी कहते हैं। नेक्स्ट है समीर क्या है। तो मंद गति से चलने वाली वायु को समीर कहते हैं, मतलब एक झोंका आता है हवा का थोड़ा सा तो वो बहुत धीमे धीमे गति से जो चलता है उसको हम बोलते हैं समीर। तो मंद गति से चलने वाली वायु क्या कहलाती है? समीर कहलाती है। नेक्स्ट है पवन से आप क्या समझते हैं। तो पवन क्या होती है? एक स्थान से एक निश्चित दिशा की ओर बहती हुई वायु को पवन कहते हैं। एक स्थान से जो स्टार्ट होती है बहना तो वो उसी दिशा में जो बहती रहती है हवा, तो एक स्थान से एक ही दिशा में बहने वाली हवा को या एक निश्चित दिशा में बहने वाली हवा को पवन कहते हैं। और अनिश्चित दिशा में अगर बह रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आंधी बोलते हैं। लेकिन अगर निश्चित दिशा में बह रही है तो उसको हम पवन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डोल ड्रम या शांत पेटी किसे कहते हैं? क्या है डोल ड्रम या शांत पेटी किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये ल्यूसेंट से लिया है। अलग अलग जगहों से मैं 3 मार्कर लेती हूँ क्योंकि एक बुक में पूरा का पूरा मटेरियल नहीं मिलता है, बहुत सारी बुक में से इकट्ठा करना रहता है ताकि पूरा का पूरा एक साथ आपको मिल जाए, कहीं से भी प्रश्न आए तो आप कर पाएँ। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से 9 डिग्री दक्षिण तक पाया जाता है। यह अधिकांश समय तक पवन इसमें अधिकांश समय तक पवन शांत है। देखो 5 डिग्री उत्तर से और 5 डिग्री दक्षिण तक, मानो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री, ये भूमध्य रेखा है। यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 5 मान लिया ये है, और यहाँ पे भी हमने 5 मान लिया, तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा ये कहलाएगा डोलड्रम। मतलब भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री नीचे दक्षिण तक पाया जाता है। तो इसका विस्तार भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक पाया जाता है। ये अधिकांश समय तक इसमें पवन शांत रहती है। इसमें क्या होता है, जो पवन होती है मोस्टली शांत तरीके से बहती रहती है, इसलिए हम इसको शांत पेटी भी कहते हैं। डोलड्रम को शांत पेटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शांतिपूर्वक बहती रहती है, शांतिपूर्ण ढंग से बहती रहती है, इसलिए इसको शांत पेटी कहते हैं। और इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से 9 डिग्री दक्षिण तक पाया जाता है। और इस प्रकार आप इसका चित्र बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर हम गए तो ये हमारा 5 डिग्री उत्तर हो गया, ये 5 डिग्री दक्षिण हो गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है, ये दोनों जो क्षेत्र है वो डोलड्रम कहलाते हैं। यहाँ पर वायु शांत होती है क्योंकि भूमध्य रेखा के पास है, तो बहुत ज़्यादा ताप होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण से यह हवा बिल्कुल शांत रहती है, इसलिए इसको शांत पेटी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं पूरे, आप इस प्रकार से आपको 22 फाइल मिलेंगी टोटल, तो आप इनको परचेस कर सकते हैं। इसमें MP स्पेशल का पैकेज भी है, इस प्रकार से फाइलें आपको पूरी मिल जाएंगी और आपके स्पीड पोस्ट द्वारा, मधुर कुरियर द्वारा, किसी भी रूप में आपको ये प्राप्त हो जाएंगी। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। पूरे नोट्स जो मैं पढ़ा रही हूँ वो हैंड रिटन है, और जैसा मैं वीडियो में पढ़ाती हूँ उसी प्रकार के ये नोट्स हैं, तो आप इन नोट्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या वृद्धि के प्रकार लिखो। जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की होती है? तो जनसंख्या वृद्धि 3 प्रकार की होती है। एक तो जो नेचुरल तरीके से बढ़ रही है, प्राकृतिक वृद्धि, एक होती है धनात्मक वृद्धि, मतलब नेचुरल वृद्धि से ज़्यादा अगर हो जाती है वृद्धि तो उसको धनात्मक वृद्धि कहते हैं, जैसे कि अभी हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा ही वृद्धि हो रही है। दूसरी है ऋणात्मक वृद्धि, जो अगर प्लस में नहीं जा रही हो वृद्धि, जनसंख्या कम हो रही हो, उसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, जो कि अभी नहीं होती है हमारे यहाँ। तो वृद्धि 3 प्रकार की होती है, प्राकृतिक वृद्धि, धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सूचकांक मूल्यांक वाले देश कौन से हैं जिनके सूचकांक बहुत उच्च होते हैं? तो मानव सूचकांक का स्कोर जिनमें 0.8 से अधिक होता है वो उच्च सूचकांक वाले देश होते हैं। जो सूचकांक हम बनाते हैं बिना विभिन्न मानकों पर, तो उनमें उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश कैसे माना जाता है कि ये उच्च सूचकांक वाले हैं? तो जिनका स्कोर 0.8 से अधिक होता है वो उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ साक्षरता दर किसे कहते हैं? तो प्रौढ़ जनसंख्या में साक्षर लोगों का अनुपात, जो कि साक्षरता के न्यूनतम स्तर को प्राप्त कहते हैं, इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो प्रौढ़ जनसंख्या में साक्षरता लोगों का अनुपात होता है, जो कि हम साक्षरता के न्यूनतम, जिसमें हम साक्षरता के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करते हैं, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। मतलब कुल पढ़ी लिखी जनसंख्या नीचे आ जाएगा, कुल पढ़ी लिखी जनसंख्या ऊपर आ जाएगा, जितनी भी प्रौढ़ जनसंख्या पढ़ी हो, मतलब जो लोग 35 से प्लस हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो प्रौढ़ जनसंख्या × 100। तो इस प्रकार से हम प्रौढ़ साक्षरता दर निकाल सकते हैं। तो साक्षर लोगों का अनुपात, जो कि साक्षरता के न्यूनतम स्तर को व्यक्त करता है, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, सहकारी किसे किसे कहते हैं? जब किसानों के एक समूह द्वारा अपनी स्वेच्छा से संस्था बनाकर कृषि कार्य किया जाता है, जब किसानों का एक समूह है वो अपनी इच्छा से एक संस्था बना लेता है और उसमें कृषि कार्य करता है,
तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें जो किसान होता है वो अपनी स्वेच्छा से कृषि करता है। डेनमार्क में इसने सबसे पहले सफलता पाई। इसमें सबसे पहले सफलता किसने पाई? डेनमार्क ने पाई। तो जब कृषकों के एक समूह द्वारा अपनी स्वेच्छा से संस्था बनाकर कृषि कार्य किया जाता है तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। डेनमार्क में इसने सबसे पहले सफलता पाई। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के क्वेश्चन। आज हमने 25 क्वेश्चन पूरे पढ़े, 25 प्लस ही रहे होंगे एक दो। और अगर आप ये पूरे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अभी परचेस कर सकते हैं। साथ में आप मुझे व्हाट्सअप करके भी इनको नोट्स को परचेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नोट्स खरीदने के बाद मुझे बताइएगा ताकि मैं आपको ज्योग्राफी के ग्रुप में ऐड कर लूँ। और अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो 6260190944 पर मुझको व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।